ओके चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर हमने सबसे पहले रिंग का केस किया कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस सेंटर में से पास करता है तो इट इज एम आर स्क्वायर। फिर हमने सेम केस किया डिस्क का, डिस्क का इस एक्सिस पे हाफ एम आर स्क्वायर। फिर हमने डिस्क के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक? तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला था। एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस इज 1/2 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकले थे, हमने बाय इंटीग्रेशन देखा कि कैसे हमने स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को कंसिडर किया और फिर उन्हें इंटीग्रेट करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमने निकाल ली। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आज की प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि सपोज मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट अस सपोज डिस्क का निकाला, ये डिस्क है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 1/2 एम आर स्क्वायर। और इस करने के लिए काफी टाइम हमने लगाया और बाय इंटीग्रेशन हमने इसको प्रूव किया था। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई भी बॉडी है और उसका यह मान लो एक्सिस है और किसी भी बॉडी के आसपास m1, m2, m3 अप टू mn बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो मैं m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लूंगा, इस एक्सिस से r1, m2 का कहां से लूंगा r2, m3 का कहां से लूंगा R3 एंड सो ऑन, और फिर मैं m1 r1 square, m2 r2 square, up to mn rn square add या integrate करके अपना आंसर को निकाल लूंगा। किसी ने क्या कहा, वो कहता है कि बॉडी तो यही रखनी है सेम टू सेम, बॉडी को चेंज नहीं करना, बॉडी को चेंज नहीं करना, लेकिन हमने क्या चीज चेंज करनी है, इसका एक्सिस चेंज कर दिया। अब मैं रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट नहीं करवाना चाहता, अब मैं रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट करवाना चाहता हूं। पार्टिकल वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, m1 m2 m3 mn एंड सो ऑन, पार्टिकल वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ठीक। तो इसके अंदर m1 का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है r1, m2 का डिस्टेंस कितना है r2, m3 का डिस्टेंस कितना है r3 और mn का rn। आपको नहीं लगता कि आपके डिस्टेंसेस एक्सिस से चेंज हो गए? जब आपका एक्सिस चेंज हुआ तो आपके एक्सिस से सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज हो गए, ऐसा ही हुआ इसमें। अब इस केस में जब आपके डिस्टेंसेस चेंज हो गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऑब्वियसली चेंज हो गया। तो अगर आप एक्सिस को चेंज करते हो और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कोई दूसरा लेते हो, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अब किसी ने कहा कि सर फिर इसका आंसर क्या होगा, अब अगर मैं फिर से इंटीग्रेशन से करना शुरू कर दूं, वो तो बहुत ही लंबा काम है। हमने अभी तीन ही केस किए थे बाय इंटीग्रेशन और कितना लंबा एक लेक्चर लग गया हमें पूरा उसको समझने में। और अब अगर मैं एक्सिस चेंज करके आई की वैल्यू को चेंज करता हूं, तो ऑब्वियस है कि आंसर क्योंकि चेंज है तो मेथड भी इंटीग्रेशन के बहुत लंबे हैं और वो करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसा शॉर्टकट होना चाहिए कि बिना इंटीग्रेशन के अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो बिना इंटीग्रेशन के उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आज का काम है, राइट? शॉर्टकट है। तो इसके लिए मेरे को दो थ्योरम सीखनी पड़ेंगी, दो शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट को थ्योरम्स बोलते हैं, इसमें दो थ्योरम सीखने पड़ेंगी और दो थ्योरम्स का नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और दूसरी थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक। ये दो थ्योरम्स हैं जो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
ठीक, इसे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 78 का प्रिंट आउट लें, और जिनके पास शीट मिल चुकी है जिन्हें, वो शीट नंबर 78 लिख लें इसके ऊपर प्लीज। ठीक, देखो इसके अंदर मुझे शीट के अंदर क्या गिवन है, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर दो पार्ट्स लिखे गए हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या है थ्योरम, उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमारा आज का पहला काम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है और जो कि टू डायमेंशनल बॉडी है, देखो 3D नहीं है, 2D बॉडी है। 2D बॉडी में किसे बोलता हूं, जैसे ये एक पेज 2D बॉडी है, 3D बॉडी किसे बोलता हूं, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एक 3D बॉडी है, तो इसका जो सॉलिड स्फीयर है वो बाहर की तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है, इस तरफ भी है, हर तरफ जो है अपने एरिया या वॉल्यूम की वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पर 2D बॉडी कैसे है, बस ये 2D बॉडी है, इसमें थिकनेस वगैरह कुछ नहीं है, बस शीट है। जैसे डिस्क है, जैसे रिंग है, ये सब 2D बॉडीज हैं, एक प्लेन के अंदर बॉडीज हैं, बस एक्स वाई प्लेन के अंदर बॉडी है, इसको 2D बॉडी बोलते हैं, या फिर इसको 2D बॉडी की जगह हम बोलते हैं लेमिना। तो फिजिक्स में इसको क्या नाम दिया जाता है, लेमिना। ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर कोई भी एक आर्बिटरी शेप की बॉडी है, मैं फिर कह रहा हूं ये रिंग भी हो सकती है, ये डिस्क भी हो सकती है, और ये कोई भी आर्बिटरी बॉडी हो सकती है, मैंने कोई भी शेप की बॉडी ले ली। इस बॉडी को आप कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, कोई कहता है कि इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रोटेट करेगी। कोई कहता है कि क्या मैं इसे ऐसे रोटेट करूं, ये एक्सिस रोटेशन ये कर लूं, हाँ तो कर लो, इसको मत करो, इसको इसके अबाउट रोटेट करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता है इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रोटेट कर दूं, हाँ तो ठीक है, इसको ऐसे रोटेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोटेशन किस एक्सिस पे करवाना चाहते हो। आप अगर इस पेज का एक्सिस ये रखोगे तो ये रोटेशन ऐसे करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी। अगर एक्सिस ये रखोगे, ये वाला ये पेन है, इसका एक्सिस है, तो ये रोटेशन ऐसे करेगी। और अगर आप एक्सिस ये रखोगे, ये रहा पेन एक्सिस है, तो रोटेशन ऐसे करेगी। क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो एक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हैं आपने एक्सिस क्या लिया, एक्सिस कुछ भी हो सकता है। तो मैं 3 एक्सिस लेता हूं और मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं कि अगर एक्सिस क्या है। मान लो ये जेड एक्सिस है, जेड जेड डैश, मान लो ये एक्सिस एक्स एक्स डैश है, और मान लो ये एक्सिस वाई वाई डैश है। तो वो कह रहा है कि मान लो 3 एक्सिस लिए और तीनों एक पॉइंट में से पास कर रहे हैं, तीनों आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपके सामने ये डायग्राम बनता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक। तो थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, डिस्क है, रिंग है, कोई भी 2D कोई भी शेप की बॉडी हो, और अगर इसमें दो एक्सिस कोई भी इसके प्लेन में लाई करते हैं, प्लेन का मतलब या इसमें या इसमें, और ये दोनों एक्सिस, याद रहे ये दोनों के दोनों एक्सिस आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये परपेंडिकुलर है। तो दो एक्सिस आपने कैसे लेने, आपस में परपेंडिकुलर लेने हैं, और जो प्लेन में लाई करते हैं, इसके प्लेन में लाई करते हैं। जो तीसरा एक्सिस है, तीसरा एक्सिस ये आउट ऑफ प्लेन है और इस बॉडी के परपेंडिकुलर है, ये आउट ऑफ प्लेन है और इस बॉडी के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि जो जेड एक्सिस है वो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है। तो 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है यहां तक। तो मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं, जैसे ये एक लेमिना कोई भी बॉडी है, एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, आपस में परपेंडिकुलर है, और ये दोनों एक्सिस एक प्लेन में लाई करते हैं, और तीसरा एक्सिस कहां लाई करता है, आउट ऑफ इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो रूल ये बोलता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आएगा। कहने का मतलब कि अगर मान लो अगर मैं बॉडी को ऐसे रोटेट करता एक्स के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, आए एक्स एक्स डैश, मान लो कोई वैल्यू आती।
अगर मैं बॉडी को वाई के अलोंग रोटेट करता तो मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए वाई वाई डैश आता, और अगर मैं जेड के अलोंग रोटेट करता हूं तो आए जेड जेड डैश आता। तीनों में डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें ये बताती है कि अगर ये तीन एक्सिस हैं और एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं बॉडी के, उनमें से दो एक्सिस इस प्लेन के अंदर हैं, तीसरा परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन परपेंडिकुलर है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दोज एक्सिस जो प्लेन के ऊपर लाई करते हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब कि जैसे सपोज ये कोई भी एक 2D बॉडी है, लेमिना है, तो एक एक्सिस ये रहा, एक एक्सिस ये रहा, दो एक्सिस तो ये हो गए ये रहे, और तीसरा एक्सिस ये रहा। तो अगर इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 प्लस 5 15 है। कई लोग इसको ऐसे याद करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के अलोंग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अलोंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के अलोंग। वो एक्स वाई जेड याद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना। कल को सपोज करो मैं ये बोलता हूं कि ये मेरा जेड एक्सिस है आपकी तरफ है, और कल को मैं बोलता हूं कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो अब क्या रूल लगाओगे? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई? गलत। आपने ऐसे नहीं याद करना, आपने ऐसे याद करना है कि दो एक्सिस इस प्लेन के बीच में होंगे, तीसरा एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। राइट, दो एक्सिस प्लेन में होंगे, तीसरा परपेंडिकुलर होगा, तो जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा? उन दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल जो इसके प्लेन में लाए करते हैं। तो आपने ये देख लेना है, नाम से याद नहीं रखना कौन एक्स है कौन वाई है कौन जेड है, बस आपने ये देखना है कि दो प्लेन्स, ये दो मोमेंट एक्सिस इस प्लेन के अंदर है और एक आउट ऑफ प्लेन है, तो जो आउट ऑफ प्लेन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लेन के अंदर एक्सिस है उनके सम के इक्वल होगा। दैट्स इट, एक्स वाई जेड का कोई चक्कर नहीं। कोई डाउट इसमें? तो सबसे पहली चीज, किसी ने शॉर्टकट ये निकाला तो कैसे निकाला, उसको कैसे पता लगा कि ये रूल वैलिड है? तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद हम इसको लगा के देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में, और देखेंगे कि ये हमारे ये जो कॉन्सेप्ट है ये चीज़ों को आसान करता है, चीज़ों को मुश्किल करने के लिए थ्योरम ने बनाई। ठीक, तो क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ के लिए आप एक फिगर को रेफर करो। तो इसके प्रूफ के लिए सपोज ये कोई भी एक बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी हुई है। ठीक, यहां तक सपोज ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये एक एक्सिस है मान लो वाई एक्सिस, और एक्स और वाई आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई डाउट इसमें? और ये एक एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर तो है लेकिन आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक? हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर कोई भी एक पार्टिकल लेते हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है M1, ये पार्टिकल है M1, राइट। इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में कितना है? सपोज एक्स वन कॉमा वाई वन, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? एक्स वन कॉमा वाई वन। राइट, क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर ये जो पार्टिकल M1 जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन, तो इसके अंदर एक्स वन कॉमा वाई वन को अगर प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे? ये एक्स एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक सपोज कितना है? एक्स वन, और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? वाई वन। क्या ये स्टेप क्लियर है? एक्स एक्सिस एक्स वन एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा, और वाई वन वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स वन, वाई एक्सिस के अलोंग वाई वन। ठीक, तो इसको ऐसे करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स वन पैरेलल, और ये भी क्या हो जाएगा? वाई वन। तो दिस इज पैरेलल टू दिस। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये क्या हो जाएगा? वाई वन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं ये पूछूं कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस पार्टिकल का, ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहता हूं, एक्स एक्सिस। रूल क्या है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका, आप पॉइंट मास लें एम और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें किससे, एक्सिस से, जिसके अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। तो जैसे ये पॉइंट मास क्या है, m1, और आप x एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे, फ्रॉम x एक्सिस, जो कि कितना है, y1। चेक करो m1 का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है, y1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m1 into y1 square। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कि कई लोग याद करते हैं कि क्योंकि हम तो x निकाल रहे हैं तो यहां पर तो x आना चाहिए, नहीं ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 का डिस्टेंस कहां से लेना है, फ्रॉम x एक्सिस, जो कि x1 नहीं है जो कि y1 है। कोई डाउट इसमें। सिमिलरली अगर मैं दूसरा पार्टिकल लेता m2, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाता, y2, m2 into y2 square। सिमिलरली अगर मैं तीसरा पार्टिकल लेता तो m3 इंटू y3 स्क्वायर, करते 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 mn इंटू yn स्क्वायर। कोई डाउट इसमें। तो एक एक करके अगर मैं पार्टिकल लूं तो x एक्सिस से उसकी दूरी देखी जाएगी, m1 इंटू y1 स्क्वायर, m2 इंटू y2 स्क्वायर, m3 इंटू y3 स्क्वायर, अप टू mn इंटू yn स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है। तो इसके अंदर अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अलोंग लूं और इसको समेशन की फॉर्म में लिखूं, जैसे मैथ्स में लिखते हैं, तो यहां पर क्या है, m1, m2, m3, m4, m5, इन जनरल m i, वेर i कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक। नेक्स्ट क्या है, y1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, y3 स्क्वायर, y4 स्क्वायर, yi स्क्वायर। तो इन जनरल इसको क्या लिख सकते हैं, mi yi स्क्वायर। कोई डाउट इसमें। तो इसको समेशन की फॉर्म में mi इनटू yi स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, उसी तरीके से अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस चेंज करता हूं, अब मैं कहता हूं मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, तो वाई एक्सिस के अबाउट कहां पे है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x1। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x1। तो यहां पर क्या आएगा, m1 into कितना, x1 का स्क्वायर, m1 into x1 का स्क्वायर, ठीक यहां तक, प्लस m2 into x2 का स्क्वायर, करते करते mn into xn का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x की फॉर्म में आएगा। तो एक काम करते हैं, आई वाई वाई डैश विल बी इक्वल टू समेशन m1 m2 m3 की जगह mi, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर की जगह x i का स्क्वायर, वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने अब ऐड करूंगा, तो ऐड करके मेरे पास क्या आएगा, देखो जब मैंने ऐड करूंगा आई एक्स एक्स डैश आई वाई वाई डैश विल बी इक्वल टू, तो दिस प्लस दिस, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, समेशन एम आई वाई आई का स्क्वायर आई 1 to n, समेशन एम आई एक्स आई का स्क्वायर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। कोई डाउट इसमें। तो ऐड करके दोनों इक्वेशंस को, ऐड करके इन दोनों इक्वेशंस को आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू समेशन, समेशन एम आई कॉमन आएगा एम ऑफ आई, तो क्या बनेगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर कॉमन आ गया, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर। ये स्टेप सबको क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ
कि अगर ये मान लो एक्स वन है और ये वाई वन है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है, इसका मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली इसमें जीरो ही रहेगा, बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन में बात हो रही है, 2D में बात हो रही है, 3D में बात नहीं हो रही। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ऐसे करेंगे। अच्छा, इस डिस्टेंस को कोई भी नाम दे दूं चलेगा, पी क्यू आर, ठीक है चलेगा, तो ठीक है मैं इसका नाम जेड वन देता हूँ। अब कोई कहता है जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो है, पर तुमने कहा जो मर्जी नाम दे दो, पी दो क्यू दो, तो जेड क्यों ना दूं, तो जेड इसका कोऑर्डिनेट नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जेड इसका कोऑर्डिनेट नहीं है। इसके अंदर जेड का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस, तो जैसे ये एक पार्ट, ये एक्सिस है और ये एक पार्टिकल है, तो इसकी दूरी कितनी है, जेड वन है, तो जो पार्टिकल यहां होगा जेड टू है, जेड थ्री है, जेड फोर है, तो जेड का मतलब यहां पर कोऑर्डिनेट नहीं है, जेड का मतलब यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो वेयर वेयर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एक्सिस है कि नहीं, लिख देता हूं कि यहां पर जेड पाइथागोरस से क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ठीक है पाइथागोरस से मैं ये लिख सकता हूं इसे। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर जो हमने नेक्स्ट करना है, मुझे बताओ कि इस पार्टिकल के लिए एक्स वन वाई वन के लिए जेड वन स्क्वायर क्या है, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, अगर कोई सेकेंड पार्टिकल होता तो जेड टू स्क्वायर क्या होता, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, ऐसे अगर थर्ड पार्टिकल होता तो एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर क्या होता, जेड थ्री स्क्वायर, ऐसे अगर इन जनरल लिखा जाए एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जेड आई स्क्वायर, किसी भी पार्टिकल के लिए, आयथ पार्टिकल के लिए ये रूल वैलिड है। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं रिप्लेस कर लेता हूं जेड, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इसकी जगह जब मैं जेड पुट करूंगा तो मेरे पास टर्म आएगी आई आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू सिग्मा एम आई जेड आई का स्क्वेयर वर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन, कोई डाउट इसमें? ठीक, इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो क्या बनेगा, एम वन जेड वन स्क्वेयर प्लस एम टू जेड टू स्क्वेयर प्लस एम थ्री जेड थ्री स्क्वेयर अप टू एम एन जेड एन स्क्वेयर। तो बेसिकली अगर सपोज ये कोई बॉडी है, ये इसका एक्सिस है, तो इस केस में एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन, तो एम वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट मास का, जेड वन, एम टू का जेड टू, एम थ्री का जेड थ्री, तो एम वन जेड वन स्क्वायर, एम टू जेड टू स्क्वायर, एम थ्री जेड थ्री स्क्वायर विल गिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्स, और हमने यही प्रूव करना था, आई ऑफ जेड एक्सिस इज आई ऑफ एक्स एक्सिस प्लस आई ऑफ वाई एक्सिस। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं, प्रूफ कैसे करना है, लिखो इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल, स्कूल के अंदर दोनों थ्योरम्स का प्रूफ आएगा जब भी आप जाओगे, लेकिन कंपटीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एप्लीकेशन आएगी, आज हम एक ऑब्जेक्टिव शीट करेंगे थोड़ी देर में, उससे समझ में आएगा कि हमने क्यों किया। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो क्या है ये रूल, ये एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि ये आया कहां से, प्रूफ क्लियर है। अब फायदा क्या है इस थ्योरम का, कैसे लगेगी ये थ्योरम, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, राइट, क्या फायदा है इसको एक बार देखते हैं। देखो, लाइट लाइट And actually, that brings us to the end of today's Takeaway Chinese. I'm Yohan Lin with Tony Reed in the studio. For more episodes of the show, you can visit our website at chinaplus.cri.cn and go to the column.
तो इसके अंदर अब जैसे इसकी एप्लीकेशन बताता हूं, क्या फायदा है इस एप्लीकेशन का, इसको एक बार देखते हैं। ठीक, देखो आगे देखो प्लीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जैसे सपोज करो आपके पास एक डिस्क है, ठीक, आपके पास एक डिस्क है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, 1/2 mr2। हमने बाय इंटीग्रेशन सीखा था। अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ठीक है, आपको इस एक्सिस का तो याद है फॉर्मूला क्योंकि आपने इंटीग्रेशन से सिखाया था, मैं एक्सिस चेंज करना चाहता हूं, मैं इस डिस्क को ऐसे नहीं घुमाऊंगा, तो कैसे घुमाऊंगा, डायमीटर के अबाउट घुमाऊंगा, मैं इसको ऐसे घुमाना चाहता हूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका मोमेंट इनर्शिया क्या है। अब मैंने कहा ठीक है, एक तरीका मैं इंटीग्रेशन करता हूं, मगर नहीं, इंटीग्रेशन से हम पहले ही बहुत, तीन बहुत है हमारे लिए, वो पिछला लेक्चर बहुत हो गया, चौथा नहीं हम और कर सकते, और वाकई में बहुत जो है ट्रिकी, उस हमने लास्ट लेक्चर देखा ही था कि कैसे किया हमने, अब तीन बहुत है, तीन में ही सफिशेंट जो है इतना रहता है। तो अब कोई ऐसा तरीका बताओ कि कुछ ना करना, बस आंसर आ जाए, तो उसके लिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पर एक पॉइंट सीख लो कि अगर सपोज करो कोई भी बॉडी है, जैसे ये एक डिस्क है, इस डिस्क का डायमीटर ये है, कोई कहेगा ये क्यों है यार, ये भी तो हो सकता है, हाँ चलो ये भी है, कोई कहेगा ये क्यों है, ये भी तो हो सकता है, हाँ तो ठीक है ये भी है, जो मर्जी लो यार, डायमीटर तो डायमीटर है। तो कोई डायमीटर जब बोलता है तो ये थोड़ी ना कि यही डायमीटर लेना है, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी डायमीटर के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर डायमीटर में एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, ऐसा नहीं होता कि इस डायमीटर का तो 10 आंसर है तो इसका 20 हो जाएगा, नहीं होगा, हर डायमीटर का आंसर सेम है। अच्छा एक काम करते हैं, इमेजिन करता हूं कि मैं दो डायमीटर ले रहा हूं, एक ये वाला और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मर्जी है, आंसर तो सेम ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई भी दो डायमीटर लेता हूं, एक ये ले लेता हूं और एक ये ले लेता हूं, तो इट मींस कि मैंने एक डायमीटर ये लिया और एक डायमीटर एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर ले लिया, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो, 90 डिग्री पे हो और परपेंडिकुलर हो। ठीक है यहां तक, अब आप ही ने बताया कि चाहे ये डायमीटर लो चाहे ये डायमीटर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। सपोज आंसर क्या था, आए डायमीटर कुछ भी 10-15 जो भी वैल्यू है, पर देखने वाली बात यह है कि अगर इस डायमीटर में वैल्यू आए डायमीटर है तो इसके अंदर भी क्या है, आए डायमीटर ही है, कोई डाउट इसमें, आंसर सेम आएगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा अब एक चीज देखो कि दो एक्सिस एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं आपस में परपेंडिकुलर, तीसरा एक्सिस इन दोनों में से पास कर रहा है, दोनों एक्सिस में से, और इस डिस्क के साथ क्या है, 90 डिग्री पे है, कोई डाउट इसमें? और रूल क्या है, रूल ये है कि परपेंडिकुलर ये जो वैल्यू आई, जेड एक्सिस हो गया, आउट ऑफ प्लेन है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का की जो वैल्यू है वो इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जैक्टली इक्वल आएगी। बताया था मैंने, अगर दो एक्सिस आपस में एक प्लेन में है और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आए डायमीटर सेम वैल्यू है, और किसके इक्वल आएगी, हाफ mr2। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे आप अपने मन में इसको z एक्सिस मान सकते हो, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस, तो z इज इक्वल टू ix + y। क्या है रूल, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो आंसर आ गया, देखो कैसे, तो 1/2 mr2 is 2 times आए डायमीटर, तो बोलो आए डायमीटर किसके इक्वल आएगा, 2 नीचे आ गया तो 1/4 mr2, कोई डाउट इसमें, 1/4 mr2, तो आंसर आ गया। देखो बिना इंटीग्रेशन के आंसर एक लाइन में ही कन्वर्ट हो गया। ये फायदा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का, कि अगर आपको दो एक्सिस एक प्लेन में गिवन है और तीसरा एक्सिस आउट ऑफ प्लेन गिवन है, तो आउट ऑफ प्लेन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दो एक्सिस के सम के इक्वल होगा। क्या ये रूल समझ में आ रहा है सबको, युवराज क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, हाफ mr2, वो किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के इक्वल होगा।
और दो एक्सेस जो प्लेन के अंदर है उनका डायमीटर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही है, तो वहां से वैल्यू हाफ हो जाएगी। फिर से करो, सपोज एक रिंग है, इस बार ये लो एक रिंग है, एक रिंग का ये डायमीटर ले लिया मैंने और दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री पे। हाँ, इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम आर स्क्वायर, तो बोलो इस डायमीटर के अबाउट वैल्यू क्या होगी। कितने लोग बोलते हैं हाफ एम आर स्क्वायर, हाँ तो ठीक है ना, तो क्योंकि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी प्लस आई डी डायमीटर में सेम रहेगी, तो एम आर स्क्वायर इज टू टाइम्स आई डी हो जाएगा, आई ऑफ डी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और मैं आपको एक और भी शॉर्टकट बताता हूं कि अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 गिवन है एक लेमिना का 10, और सिमेट्रिकल बॉडी है रिंग डिस्क कैसी भी, तो डायमीटर के अबाउट वैल्यू हाफ हो जाती है, तो 5 हो जाएगी। डन, कौन सी थ्योरम पता ही लिया, देख ही लिया आपने, तो इस थ्योरम का सीधा शॉर्टकट लग जाएगा, तो सीधा वैल्यू को हाफ बोल देंगे। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ कि सपोज आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर का ये एक्स एक्सिस है, ये इसके अंदर से वाई एक्सिस है और ये इसके अंदर से जेड एक्सिस है, ठीक, तीन एक्सिस हैं, तीनों एक्स वाई जेड। सॉलिड स्फीयर के इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, बोलो एक्स और वाई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। कितने लोग बोलते हैं सेम, मतलब 2/5 एम आर स्क्वायर की 2/10 एम आर स्क्वायर, 2/, कितने लोग 5 बोलते हैं, कितने 10 बोलते हैं। देखो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लेमिना पे लगती थी एंड स्फीयर इज नॉट अ लेमिना, 2D बॉडी नहीं है 3D है, ये फेल है, यहां पे लग ही नहीं सकती, पॉइंट नंबर 1। चलो गलती से लग गई, चलो लगा देते हैं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। स्फीयर इकलौती ऐसी बॉडी है हर तरफ से बराबर है, राइट, आप कोई भी एक्सिस सेंटर से एंटर करवा दो वही उसका डायमीटर है, वही उसका परपेंडिकुलर एक्सिस है, क्या फर्क पड़ रहा है। आप कोई भी एक्सिस ले लो स्फीयर के बीच में से, वही उसका डायमीटर नहीं एक्ट करेगा, ये एक्सिस इसका डायमीटर नहीं है, बिल्कुल डायमीटर है, स्फीयर के अंदर से सेंटर में से कोई भी एक्सिस पास कर गया उसका डायमीटर ही तो है, तो ठीक तो बोल रहे हैं, हर एक्सिस में वैल्यू विल रिमेन सेम, तो ये थ्योरम इस पे मत लगाना, रिंग और डिस्क पे लगाना चलेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ओके, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्लियर है। एक और थ्योरम है जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो बस आज हमने दो थ्योरम्स ही करनी है और उसकी बस कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपने मुझे सॉल्व करके दिखाने हैं, बस आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। ठीक, बोलो। नहीं, स्क्वायर के बारे में हम बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमें स्फीयर स्क्वायर का सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता, हम उन बॉडीज की बात करेंगे जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, आर्बिट्री बॉडीज का हम निकाल लेंगे। अगर आप मुझे कोई भी कहोगे सर कोई भी बॉडी का निकाल दो आए, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, स्टैंडर्ड बॉडीज का मुझे पता है, 5-6 बॉडीज मैंने लास्ट टाइम करवाई थी आपको, 5-6 बॉडीज जो और ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं उसकी लिस्ट भी तैयार है, उसकी अभी एक शीट दूंगा मैं थोड़ी देर में या नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, तो उसमें लिस्ट बनी हुई है, मतलब अगर वर्स्ट केस अगर कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो यार हम उस ऑब्जेक्टिव में या स्कूल में जाके सब्जेक्टिव में उसकी इंटीग्रेशन करके तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो भूल ही जाओ, नहीं होगी, तो हमें कम से कम फॉर्मूले तो पता हो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के जो पेपर में आ सकते हैं, बस हम याद कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर तो इसके एप्लीकेशन पे है ना, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो एक आइडिया गिवन है, हमने पता लग गया कैसे निकलता है। तो देखो, नेक्स्ट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये थ्योरम है,
ठीक, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है? ये बहुत सही थ्योरम है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते भी हैं, ध्यान से देखनी है। देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में पहले थ्योरम क्या है वो बताऊंगा, थ्योरम कैसे लगती है वो बताऊंगा, कहां से थ्योरम आई फिर एंड में बताऊंगा। तो पहले क्या थ्योरम है, ये थ्योरम के अंदर जरूरी नहीं है कि लैमिना हो, किसी भी बॉडी पे लगती है, स्फीयर पे भी लगती है, डिस्क, रिंग, जहां मर्जी लगाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। ये थ्योरम ये कहती है कि मान लो कोई भी एक बॉडी है और मान लो कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, ठीक, इमेजिनरी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, ठीक। अब देखा जाए तो जो हमने लास्ट लेक्चर में डराइव किया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, तो हमने भी एक्सिस कहां से पास करवाया था, रिंग के सेंटर ऑफ मास से। हमने कहा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने, हाफ एम आर स्क्वायर, हमने एक्सिस कहां से पास करवाया था, डिस्क के सेंटर ऑफ मास में से। स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर है, कहां से पास करवाया था, सेंटर ऑफ मास में से। तो सेंटर ऑफ मास में से अगर कोई एक्सिस पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें याद है, हमने याद किया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया फिर क्या करना है, राइट? तो हमने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है, कोई अगर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बोलता है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, आया है, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में या आपको याद होगा इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर है, पर हमने ये नहीं निकालना, ये तो हमें याद ही होगा क्वेश्चन में। हमें ये गिवन होगा कि मेरे को मेरा एक्सिस चेंज करना है और एक्सिस ये नहीं है, एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये गिवन होगा दो एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा एग्जैक्टली कितना है, एच, इन दो पैरेलल एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एच, और बॉडी का मास कितना है, एम। तो थ्योरम ये बोलती है, मतलब ये बाद में बताऊंगा कैसे आई, थ्योरम के अकॉर्डिंगली, थ्योरम ध्यान आगे, थ्योरम ये बताती है कि जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उस एक्सिस के अबाउट जो इस एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, और जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आए इसमें होगा वो तो होगा ही होगा, प्लस मास ऑफ बॉडी इनटू जो भी इन एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होगा एच, उसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है थ्योरम का जो आज हम प्रूव करेंगे कि अगर सेंटर ऑफ मास एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए मुझे मालूम है तो नए एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू आए प्लस एम एच स्क्वायर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक? ये फॉर्मूला है, मतलब कहां से आया मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक, फॉर्मूला क्लियर है। मैं एक दो बॉडीज पर लगा के दिखाता हूं, ये और क्लियर होगा, और एग्जांपल से समझाता हूं ये क्या है। देखो जैसे सपोज करो, मैं लगा के दिखा रहा हूं, आपके पास अब क्या है, एक डिस्क है, एक डिस्क, ये एक डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास में से अगर कोई एक्सिस पास करता है तो मुझे मालूम है कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 1/2 एम आर स्क्वायर है, ठीक, ये वैल्यू है। मेरे को क्वेश्चन आएगा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो नया एक्सिस है मेरे पुराने एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है, और पुराना एक्सिस कहां से पास होना चाहिए, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये जरूरी है, सेंटर ऑफ मास में से ही होना चाहिए, कोई डाउट इसमें? तो इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो कितना है, आर, रेडियस ही है ऑब्वियसली आर, तो बोलो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा क्योंकि आई की वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है कितनी, हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, प्लस मास इनटू डिस्टेंस दो एक्सिस में कितना है, आर, एम आर स्क्वायर भी होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 एम आर स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? तो थ्योरम कैसे लगती है ये समझ में आ रही, एक्सेप्ट इसके कि थ्योरम आई कहां से, तो थ्योरम कैसे लग रही है समझ में आ रहा है। फिर देखते हैं एक बार, जैसे सपोज आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के यहां से सेंटर ऑफ मास में से अगर कोई एक्सिस पास करे तो फॉर्मूला क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है।
लेकिन मेरे को एक्सेस एग्जैक्टली इसके साथ टेंजेंट गिवन है. टेंजेंट देख रहे हो, ये टेंजेंट है और इनके बीच में डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना होगा बोलो, आर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या आएगा, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 7/5 एम आर स्क्वायर. ये तो बढ़िया हो गया. एक्सिस कहीं भी पैरेलल दिखेगा, इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ है, उठा के एम आर स्क्वायर एम एच स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा. पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, ठीक. एक और क्वेश्चन करके दिखाओ फिर इसमें, ये लो लगा के दिखाओ इसका आंसर क्या होगा. बताओ कि अगर आपके पास जो बॉडी है वो एक थिन रॉड है, थिन रॉड, ये थिन रॉड है, इसका मास क्या है m, लेंथ इज l. हमें मालूम है कि अगर एक्सिस यहां से पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाय 12. ये डिस्टेंस कितना है l बाय 2, ये कितना है l बाय 2. मेरे को इसके टेंजेंट के अबाउट बताना है आंसर क्या होगा. मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना क्या होगा. देखो सही कह रहे हो, इसके अबाउट आंसर एम एल स्क्वायर बाय 12 तो होगा ही होगा, प्लस मास इनटू दो एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल बाय 2 का स्क्वायर, ऐड करो एलसीएम लो एम एल स्क्वायर बाय 3 इज द आंसर. कोई डाउट इसमें, एलसीएम लेके देखो आंसर आएगा. समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, ये याद कर लो एम एल स्क्वायर बाय 3. बाकी तो कोई याद नहीं करने की जरूरत, वो तो क्वेश्चन में देख लेंगे, पर एम एल स्क्वायर बाय 3 बहुत यूज होता है कि रॉड का अगर टेंजेंट है, टेंजेंट के अबाउट अगर अगर सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर में से पास कर रहा है तो एम एल स्क्वायर बाय 12, और अगर टेंजेंट है तो एम एल स्क्वायर बाय 3. कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ठीक. तो फिर एक और आंसर दो, बोलो इसका आंसर क्या होगा. कि अगर सपोज ये एक रॉड है, थिन रॉड है, मास एम एल, लेंथ एल है, और थिन रॉड यहां से हिंज्ड है, किसी ने वो एक नट लगाया और ये हिल नहीं सकती, घूम सकती है इसके अबाउट. तो अगर रॉड इसके अबाउट घूम सकती है तो बोलो एक्सिस कहां से पास करेगा, इसके अंदर से. बोलो आंसर क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. कितने लोग बोलते हैं एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक बोल रहे हैं, कह रहे हैं एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा, तो निकाल लो फिर. एम एल स्क्वायर बाय 3 तो आएगा इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क कहां है ये तो बताओ. सिर्फ 3 व्यू का ही फर्क है. देखो क्या व्यू है, इसमें आप रॉड को ऐसे घूमते हुए नजर, आप इमेजिन कर सकते हो अगर ऐसे घूमेगी तो एक्सिस ऐसे चलेगा, अगर ये एक्सिस तो पूरी की पूरी रॉड ऐसे घूम जाएगी. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, नीचे गिर रही है घूमती हुई, सर्कल में घूम रही है, तो एक्सिस बोलो क्या होगा, ये एक्सिस होगा. अब इसको बोर्ड में बना नहीं सकता तो मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा पेन के साथ, तो इसका एक्सेस ये पेन होगा. अच्छा ये बताओ कि अगर एक्सेस सेंटर होता, यहां पे होता,
ये रहा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और इसमें और इस पॉइंट में डिस्टेंस कितना है एल बाई 2, तो वही चीज है इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, तो इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इन टू एल बाई 2 का सेम है एम एल स्क्वायर बाई 3 ही होगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, में कोई फर्क नहीं है। एम एल स्क्वायर बाई 12 कैसे हुआ, अगर ये रॉड दोनों एंड से घूमती है, ये देखो ये एक्सिस है, है ना, तो फिर एक्सिस ये है तो सेंट्रल एक्सिस हो गया ना ये वाला, देखो ना अगर रॉड ऐसे घूमती है तो एक्सिस ये है, अगर इस अब इसका व्यू ऐसे बनेगा, मेरे फिंगर देखो एक्सिस है, अगर रॉड ऐसे घूमती है तो एक्सिस ये, अब बोर्ड पे ये फिंगर बनेगी कैसे बताओ, एक्सिस नहीं बनता, डॉट ही बनेगा ना, तो बात तो एक ही है, ये व्यू बनाना मुश्किल है, ये व्यू बनाना आसान है, बात तो एक ही है, क्लियर है यहां तक। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये आया कहां से, तो आया कहां से, इसका प्रूफ देखते हैं, और इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका, देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अंदर सबसे पहली चीज, हम एक कोई भी एक बॉडी इमेजिन करते हैं, ध्यान आगे प्लीज, ध्यान आगे, कोई भी एक बॉडी इमेजिन करते हैं, सपोज ये मैंने इमेजिन कर ली है कोई भी बॉडी इस प्लेन में है, राइट, इस प्लेन में, लेट अस सपोज इस बॉडी का एक्सिस ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये इसका एक्सिस है, ठीक, तो ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, और इमेजिन करो कि आपके पास इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस बॉडी में, और सच दैट सपोज ये पार्टिकल है एम वन और ये पार्टिकल है एम टू, ठीक है, एम वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम वन का इस एक्सिस से सपोज कितना है आर वन, एम टू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से सपोज कितना है आर टू, ठीक, ऐसे ही एम थ्री आर थ्री, एम फोर का आर फोर एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अलोंग जो कि सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, इस एक्सिस का नाम सपोज सी डी एक्सिस है, तो बोलो आई ऑफ सी डी की वैल्यू क्या होगी, एम वन इन टू आर वन स्क्वायर, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज उसी एक्सिस से लेने पड़ेंगे, तो एम वन का डिस्टेंस कितना है आर वन, एम टू का बोलो कितना है एम टू इन टू आर टू स्क्वायर, एम थ्री इन टू आर थ्री, एम एन इन टू आर एन का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, तो हर पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते जाएंगे m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर i ऑफ cd विल बी इक्वल टू समेशन की फॉर्म में क्या होगा m1 m2 m3 m4 की जगह m i r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर की जगह r i का स्क्वायर, वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सी डी के अबाउट क्या होगी एम आई आर आई स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब कोई ये कहता है कि मेरे को एक्सिस सेंटर ऑफ मास तो रखना ही नहीं ना, मेरे को तो नया एक्सिस लेना है, और सपोज करो ये कोई भी एक नया एक्सिस लिया उसने जिसका नाम क्या है
ए से लेके बी तक, ए बी, ठीक है, नया एक्सेस जिसका नाम क्या है इसमें, ए बी, ठीक। और मान लो इन एक्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच गिवन है, और मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, ए बी। और मैंने आपको वैसे ही शॉर्टकट तो बता ही दिया कि ए बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो सेंटर ऑफ मास में से एक्सेस पास कर रहे सी डी प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेसिकली तो मैंने अब इस एक्सप्रेशन में इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा, हमें अप्लाई तो करना आ ही गया ना, हमने उल्टा किया, हमने अप्लाई करना पहले सीख लिया, अब हम इसका प्रूफ देख रहे हैं, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी नए एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो अब एक काम करेंगे, सभी पार्टिकल का डिस्टेंस अब पुराने एक्सिस से नहीं, नए एक्सिस से लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं तो एम वन का डिस्टेंस अब सी डी से नहीं, एम वन का डिस्टेंस ए बी से लेना पड़ेगा, एम वन इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, एम टू का डिस्टेंस भी नए एक्सिस से शिफ्ट करना पड़ेगा, यही रूल होता है। तो फिर बताओ कि एम वन का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है, आर वन माइनस एच, देखें ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, आर वन, आर वन में से एच गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर वन माइनस एच। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। उसी तरीके से ये एम टू है, एम टू का यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, आर टू, आर टू में एच एड करेंगे तो क्या बनेगा, आर टू प्लस एच, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो अगर मैं ये पूछूं कि बताओ नया एक्सिस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, आप कहेंगे एम वन, एम वन का डिस्टेंस ए बी से कितना है, आर वन माइनस एच का होल स्क्वायर। फिर आप कहेंगे एम टू, एम टू का डिस्टेंस कितना है, आर टू प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसी नेक्स्ट क्या बोलेंगे, एम थ्री, एम थ्री के आगे क्या बोलेंगे, आर थ्री, पता नहीं प्लस पता नहीं माइनस एच, तुम्हें क्या पता, अगर उस तरफ है तो प्लस है, इस तरफ है तो माइनस है, कुछ भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इसको समेशन की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, समेशन एम के पैर में आए, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर अप टू एम एन की जगह एम आए, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर की जगह इन जनरल आर आए, माइनस प्लस पता नहीं प्लस पता नहीं माइनस पता नहीं प्लस पता नहीं माइनस, तो फिर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक, एच 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 सिर्फ एच, होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, आई ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन। मैं क्या करने वाला हूं, इसे मैं ओपन करने वाला हूं इसके होल स्क्वायर को, क्या आर आई का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस माइनस टू आर आई इंटू एच, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी, ये भी क्लियर है। अब यहां से आई ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, इसे ओपन करने जा रहा हूं मैं, सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन प्लस सिग्मा एम आई इंटू एच का स्क्वायर वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा टू एम आई आर आई इंटू एच वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ओपन कर लिया इसे, ओपन करके काम करते हैं, आई ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, इसकी जगह तो रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ऊपर निकाल रखी है हमने कितनी, आई सी डी, तो नीचे क्या रिप्लेस करेंगे, आई ऑफ सी डी, क्लियर है यहां तक, प्लस एम आई एच स्क्वायर में से एच स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा, सिग्मा एम आई क्या होता है, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर अप टू एम एन, यानी कि टोटल मास ऑफ द बॉडी एम, सिग्मा एम आई का मतलब एम, तो एच देखो एच स्क्वायर बाहर आ सकता है, आई वाली टर्म बाहर नहीं आएंगी, तो क्या आएगा, एच स्क्वायर
सिग्मा एम आई आपको क्या देगा, एम कुछ बात सी बनती लग रही है, आई सी डी प्लस एम एच, बात तो बनी गई। बात तब बनेगी जब कोई प्रूव करके बताएगा कि 2H कॉमन आ गया, बाहर आ गया, सिग्मा एम आई आर आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n का समेशन क्या आएगा, जीरो। बात तो तब बनेगी जब एंड की टर्म जीरो होगी और ये बचा हुआ आंसर इज द आंसर, तो प्रूफ करेक्ट माना जाएगा। आप में से कोई बता सकता है सिग्मा एम आई आर आई अबाउट सेंट मास का सम हमेशा जीरो होगा कैसे, और ये जीरो होगा, जीरो नहीं होगा तो प्रूफ कैसे करेंगे, जीरो तो होगा, सेंटर ऑफ मास है, कुछ डिस्टेंस पॉजिटिव, कुछ बोलना चाहते हो? चलो ठीक है, इसको जीरो प्रूव करने के मेरे पास तीन तरीके हैं, और इनमें से पहला मेथड कि सपोज करो, एग्जांपल है, प्लीज एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपके पास ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक, और अगर आपके पास यहां, हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट किया था, अगर आपको याद होगा कि कोई यहां पे बैठा है इसका वेट m1g है, कोई यहां पे बैठा है इसका वेट m2g है, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r2 है और इसका r1 है, और क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो क्या आएगा यहां से आएगा m1g into r1 मस्ट बी इक्वल टू m2g into r2, g से g कैंसिल, m1r1 माइनस m2r2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कुछ लोग ठीक कह रहे थे, आधे सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, आधे नेगेटिव होंगे, और इनका जो सम आएगा टोटल वो जीरो ही आएगा, कुछ बोल तो ऐसे रहे थे, तो ठीक है ऐसे प्रूव हो सकता है। ये तो दो पार्टिकल है, ऐसे चार होंगे, छह होंगे, दस होंगे, तो इनका जो समेशन होगा सेंटर ऑफ मास के, ये सेंटर ऑफ मास पे सारा मास हम मानते हैं, तो आधे पार्टिकल इधर मानते हैं, आधे इधर मानते हैं, तभी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, और जिस बॉडी को हम स्टडी कर रहे हैं वो घूम तो रही नहीं, वो इक्विलिब्रियम में ही है, वो रेस्ट फ्री बॉडी को स्टडी किया जा रहा है। पहला आंसर क्लियर, हालांकि आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए आंसर जीरो क्यों होता है। दूसरा, एक स्टूडेंट कहता है कि क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है इतना करने की जरूरत क्या है। मेथड नंबर टू कि सपोज ये एक बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका m2 है, सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, ये r1 है और ये r2 है, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास 0.0 पे है, 0.0 पे है, तो एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लेते हैं, m1 x1 प्लस m2 into x2 by m1 plus m2, x center of mass 0, m1 into r1 की जगह minus r1, m2 into कितना r2, m1 plus m2 तो obviously 0 से कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, m1 r1
इज इक्वल टू एम टू आर टू, या फिर एक बार फिर से एम वन आर वन माइनस एम टू आर टू इज जीरो, यानी कि कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे लेकिन टोटल सम जीरो ही आएगा, ये भी सही है। तीसरा मेथड, आपसे कोई पूछेगा नहीं, सिग्मा एम आई आर आई हमेशा सेंटर ऑफ मास के बाद के अबाउट आंसर क्या देगा, जीरो। तो ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपने पेपर में करना थोड़ी ना, आपने सीधा लिखना है अबाउट सेंटर ऑफ मास सिग्मा एम आई आर आई विल गिव जीरो आंसर, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है? ठीक, अब आप मेरे दो क्वेश्चंस का नहीं तीन क्वेश्चंस का आंसर दोगे और देखते हैं कितने की देंगे, और फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव शीट दूंगा, आपको अब आज की थ्योरम्स को किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो प्रूफ क्लियर है, प्रूफ एनसीईआरटी वो शीट दे दी मैंने आपको, जो शीट चल रही है अभी, तो इसकी एप्लीकेशन जो है देखो कैसे आएगी। देखो तो इसके अंदर जो नेक्स्ट है, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा था, ओके सपोज ये एक थिन रॉड है, थिन रॉड है, इस थिन रॉड को इस एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट करूंगा, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, जीरो। बोला था मैंने सारा मास तो थिन एक्सिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आई क्या आएगा, सही है। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, एच डिस्टेंस दूर, ये एक एक्सिस है, कोई भी एक्सिस है, और मैं आई इसके अबाउट निकालना चाहता हूं, तो अब क्या आंसर आएगा, एम एच स्क्वायर बस, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला तो यह बनता है कि जितना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस एम इंटू एच स्क्वायर, पर इसके अबाउट क्या है, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, एम एच स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। क्वेश्चन ये है कि सपोज आपके पास तीन रॉड्स हैं, एक दो तीन, तीनों का मास m और लेंथ l है, m l m l m l, मेरे को इस तीन रॉड के अरेंजमेंट को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाना है, बोलो तीनों रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे क्या होगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन में तीन रॉड्स हैं और ये चिपकी हुई हैं एक दूसरे से, आपको इस एक्सिस के अबाउट पूरे एच को रोटेट करना है, तो टोटल मोमेंट इनर्शिया इस एक्सिस पे क्या होगा इन तीन रॉड्स का, 4ml²/3, कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर आ रहा है, सबका यही आ रहा है,
देखो सबसे पहले रॉड, देखो आपको ना रॉड से पूछना पड़ेगा। देखो रॉड से कैसे पूछते हैं, फर्स्ट रॉड से पूछो तो क्या कंट्रीब्यूट करेगी इस एक्सिस पे, तो रॉड नंबर वन क्या कहेगी, मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करूंगी क्योंकि एक्सिस मेरे अंदर से ही पास हो रहा है, तो रॉड नंबर वन का कंट्रीब्यूशन ठीक हो गया, वन हो गया। अब आप एक काम करो, रॉड नंबर टू से पूछो सिर्फ, टू क्या कहता है कि रॉड नंबर टू कहती है कि मैं, मेरे लिए ये एक्सिस टेंजेंट है, साइड पे टेंजेंट है, तो रॉड नंबर टू के लिए टेंजेंट है, और टेंजेंट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय रॉड नंबर टू का कंट्रीब्यूशन। क्लियर है, रॉड नंबर टू देख रहे हो, इसको भूल जाओ। रॉड नंबर टू के लिए अगर ये एक्सिस है तो आंसर क्या होगा, थोड़ी देर पहले किया नहीं था आज एम एल स्क्वायर बाय थ्री, घुमा के नहीं देखना, पिछले फॉर्मूले देखने क्या किए थे, घुमाना, कोई लड़का कह रहा था सर घूमेगा कैसे, तुमने घुमाना नहीं है, तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, वो बस इमेजिनरी केसेस बना रहा है कि अगर ये रॉड है और इसका एक्सिस है तो आज हमने क्लास में किया था, मैंने कहा था याद कर लो फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाय थ्री, कोई डाउट इसमें, जैसे क्लियर है यहां तक, ठीक ओके। अब इस रॉड से पूछते हैं कि ये क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, अब ये कहेगी कि देखो मेरा जो अगर एक्सिस इसमें से पास करवाते तो मैं अपना आंसर क्या बोलती, जीरो, ठीक है जीरो, पर मैंने कहा यार तेरे इस एक्सिस में से पूछ कौन रहा है, मेरे को तो इसमें बता, तो ये रॉड कहती है क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में पैरेलल है, तो यू कैन अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल वो देखो आपने लगाई भी है, सेम क्वेश्चन तभी जान के पूछा था, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस पे क्या होगा थर्ड रॉड का, जीरो प्लस इनके बीच में दूरी कितनी है एल, जीरो प्लस एम एल स्क्वायर, जैसे अभी आपने किया था इसका जीरो प्लस एम एच स्क्वायर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस एक्सिस पे अगर आपको आंसर निकालना होता इस रॉड का तो जीरो, पर अगर एक्सिस यहां पर है एच दूरी पे तो एम एच स्क्वायर, अगर ये एल दूरी पे होता तो एम एल स्क्वायर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट रॉड ने, फर्स्ट रॉड का इस एक्सिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, सेकेंड रॉड के लिए ये टेंजेंट है एम एल स्क्वायर बाई थ्री, थर्ड रॉड और ये एक्सिस आपस में पैरेलल हैं तो इसका खुद के अबाउट जीरो, जीरो प्लस एम एल स्क्वायर, कुल मिला के आंसर जो आएगा वो आएगा फोर बाई थ्री एम एल स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक है यहां तक। सपोज करो किसी ऑब्जेक्टिव में या कहीं भी न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन आता, सपोज ये डिस्क है, डिस्क के टेंजेंट एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा, एक्सिस क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। अब लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी इसमें, हो भी कोई भी हो जाएगा, मैं भी हो जाऊंगा, कि अगर ये डिस्क है तो मेरे हिसाब से डिस्क के दो टेंजेंट होते हैं, एक तो ये वाला टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और एक ये वाला टेंजेंट भी तो है जो टच करता हुआ जा रहा है, तो मैं क्वेश्चन में कौन सा टेंजेंट लूंगा, आंसर सेम ही नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, तो आप ये टेंजेंट लेंगे, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव कभी भी करेंगे जब वो टेंजेंट बोलेगा, अगर तो वो बोलता है कि टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दी डिस्क, फिर तो ये हो गया, पर अगर वो बोलता है कि टेंजेंट सिर्फ टेंजेंट, तो फिर आप इसके साथ करेंगे, पहले ये सॉल्व करते हैं, अगर ये आ जाए तो फिर बोलो इस डिस्क का, ये बॉडी डिस्क है तो इसका, इसके अबाउट क्या है वन बाई टू एम आर स्क्वायर, और दो एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आर, तो बोलो क्या होगा वन बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक। लेकिन अगर एक्सिस ये होगा, बोलो आंसर क्या होगा, चेंज कर दिया, आंसर क्या होगा एम एल, एल नहीं आर की फॉर्म में होगा ना, एम आर स्क्वायर बाई थ्री होगा, मुझे लगता नहीं है, मैं कर ही देता हूं, देखो देखो इस एक्सिस पे नहीं, ये तो क्लियर है, इसको मिटा दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा है। देखो
अब एक प्रॉब्लम है, इसमें सीधा इसलिए लगा आपको, इसमें सीधा इसलिए लगा क्योंकि ये दोनों एक्सेस आपस में क्या है, पैरेलल है। तो फटाफट इसका आंसर याद था, ये आपने ऐड किया आंसर आ गया। इसमें तो ऐसे ही है, बता रहा हूं। तो इसके अंदर नेक्स्ट में अगर आप इस एक्सिस के अबाउट आई निकालना चाहते हो तो आपको इसके पैरेलल कोई तो एक्सिस चाहिए जो सेंटर ऑफ मास में से पास करे और जिसका आंसर आपको कुछ पता हो, और वो एक्सिस है हमारे पास। ये वो एक्सिस है जिसको आप क्या बोलते हैं, डायमीटर। देखो ये जो एक्सिस है ये डिस्क के लिए क्या कर रहा है, लाइक अ डायमीटर। और आज स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में डायमीटर में एक डिस्क के अगर इस एक्सिस पे 1/2 mr² डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, तो बोलो डायमीटर के अबाउट आंसर क्या होता है, 1/4 mr² किया था ना आज हमने। तो इसका मतलब इस एक्सिस पे 1/4 mr² है और ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आंसर इज 1/4 mr² प्लस mr² 5/4 mr² इज द आंसर। ठीक ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। आप सेम क्वेश्चन करो, अगर सपोज ये क्या गिवन होता, रिंग, अगर ये रिंग गिवन है, ये रिंग है, बोलो रिंग के इस एक्सिस पे आंसर क्या होता, टेंजेंट 3/2 mr², क्योंकि पहले आप रिंग का डायमीटर निकालते, रिंग का सेंट्रल एक्सिस mr² है, तो डायमीटर आज हमने किया था 1/2 mr², ये आर है, तो 1/2 mr² प्लस mr² 3/2 mr². कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है यहां तक, ओके। फिर ये क्वेश्चन करो, सपोज आपके पास ये एक डिस्क गिवन है, डिस्क डिस्क गिवन है, डिस्क गिवन है, मास एम एंड रेडियस आर के डिस्क हैं। आपको एक्सिस ये गिवन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या होगा तीनों डिस्क का। रेड ये जो लाइन है इसमें डॉटेड, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा तीनों डिस्क का। देखो देखो ध्यान आगे प्लीज, सबसे पहले सब मुझे पता, देखते हैं, देखो इधर देखो प्लीज, इधर ये डिस्क के लिए ये एक्सिस टेंजेंट है, तो इसका अगर ये डायमीटर होता डिस्क का तो आंसर क्या होता, 1/4 mr², यही होता ना डायमीटर। लेकिन हमें तो रेड एक्सिस पे निकालना है एट डिस्टेंस ऑफ आर, तो बोलो क्या होगा, 1/4 mr² प्लस mr² तो पहले डिस्क का कंट्रीब्यूशन क्लियर हो गया कि पहले डिस्क कितना कंट्रीब्यूट करेगी इस एक्सिस पे। ठीक यहां तक क्लियर है, ठीक। तो पहले डायमीटर का लगाओ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ। अब दूसरी डिस्क लो, इसका भी तो सेम है कि इसका भी अगर डायमीटर लेंगे उसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से सेम, तो इनटू टू कर दें, दोनों डिस्क का सेम कंट्रीब्यूशन है, कोई डाउट इसमें।
क्लियर है? ठीक है यहां पर। नेक्स्ट, इस डायमीटर से पूछो, ये कहता है ये तो खुद ही एक्सिस डायमीटर में से पास कर रहे हैं, तो डायमीटर का एक्सिस पे क्या होता है 1/4 आंसर, क्योंकि ये एक्सिस इसके लिए क्या कर रहा है लाइक अ डायमीटर, तो डायमीटर का सीधा फॉर्मूला लग गया 1/4 एम आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऐड कर लो आंसर। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है ठीक है। जा रहा हूं आगे, देखो प्लीज, ये न्यूमेरिकल तो हो गया। नेक्स्ट एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार नीट और मेंस में रिपीट हुआ हुआ है, मतलब इतनी बार हुआ हुआ है कि मेरे को इसका आंसर भी याद है कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको भी याद हो जाएगा। आपको ना क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आपके पास एक डिस्क है, ठीक, आपके पास एक डिस्क है, डिस्क ये डिस्क क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपके पास डिस्क रादर दो डिस्क हैं, एक और दो, और हल्की सी इसकी थिकनेस भी है,
इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस है, बहुत हल्की सी थिकनेस है, इसकी भी है और इसकी भी है, इसकी थिकनेस टी है, इसकी भी टी है, थिकनेस दोनों की सेम है, तो थिकनेस दोनों की सेम गिवन होती है। फिर दोनों का मास भी सेम गिवन होगा, मास सेम है एम, तो ये भी एम है और ये भी एम है, गिवन है, ठीक, ये भी गिवन है। रेडियस के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन आपको वो ये कहेगा कि दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो बोलो क्या होगी, और इसकी डेंसिटी रो वन है, इसकी डेंसिटी रो टू है, तो डेंसिटीज में फर्क है, तो डेंसिटी इसमें रो वन है, इसमें रो टू है, तो आपको रो वन रो टू की फॉर्म में आंसर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा। तो एक चीज समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होगा क्या, हाफ इनटू मास एम, वो तो सेम है, सेम है, इनटू यहां पर क्या आएगा आर वन स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा आर वन आर टू, के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो मैं सेम नहीं ले सकता, मैं डिफरेंट लूंगा आर वन एंड आर टू। तो मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को इसकी रेशियो निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और ऑप्शन में आपको आर वन आर टू नहीं गिवन होगा, ऑप्शन में रो वन रो टू की फॉर्म में निकालना है, तो आर वन आर टू इलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मास सेम है, अगर मास सेम है, एम वन इज इक्वल टू एम टू, मास होता क्या बोलो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस, पहले डिस्क का एरिया बोलो कितना है पाए आर वन स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है टी, वॉल्यूम हो गया, इंटू रो वन सेकेंड का एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस भी सेम गिवन है, टी पाए कैंसल, कैंसल हो गया, तो यहां से आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर की रेशियो क्या आ गई रो टू बाय रो वन, तो यहां पर रिप्लेस कर दो, यहां पर रेशियो क्या आएगी रो टू बाय रो वन आंसर आएगा, ठीक। तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, अगर मास और थिकनेस दोनों सेम है, ये रूल है, अगर सेम ना हुए फिर नहीं होएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी, तो जिसकी डेंसिटी बड़ी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका छोटा होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग फॉर्म में, इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या ये पॉइंट क्लियर है, याद रहेगा यहां तक, ठीक ठीक। ठीक है यहां तक, अब एक काम करो, ऑब्जेक्टिव शीट आज मैंने डिस्ट्रीब्यूट की है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 35, 36 और 37, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं 35, 36, 37, जो आखिरी शीट है ना, गलती से उसकी नंबरिंग 38 लिख दी मैंने, 37 कर लो प्लीज, 37, 35, 36, 37, तो जो लोग रिकॉर्डिंग से प्रिंट आउट लेंगे उनको नंबरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं, उनकी करेक्शन मैंने कर दी है, तो आप रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट्स 35, 36 और 37 का प्रिंट आउट लो ऑब्जेक्टिव। 35 शीट की आधे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, मोमेंट ऑफ फोर्स पे थे, टॉर्क पे थे, दो तीन नहीं करवाए, वो आप एक बार होमवर्क करेंगे। अभी जो आपने क्वेश्चन करने हैं ऑब्जेक्टिव शीट 36 में मार्क करो, क्वेश्चन नंबर अभी जो करके जाना है वो है 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 11, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट,
के टेस्ट में 10 क्वेश्चन कोलिजंस के डालूंगा और बाकी जो 20 क्वेश्चन है वर्क पर एनर्जी के, तो प्लीज अच्छे से रिवाइज करना और जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के आना कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगती है और कैसे कोलिजंस चलती है। कितने लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी आ गया? सी आ गया, करो ट्राई बाकी लोग अभी। नहीं, सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बात बताओ, स्फीयर का होता क्या है? 2/5 होता है, 2/5। ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है? 20। ये केजी मीटर स्क्वायर है, कोई कह रहा था माइनस लगा हुआ है, माइनस नहीं है, मीटर स्क्वायर ही है, डैश मीटर स्क्वायर है। तो यहां से ये एक इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट एनी टेंजेंट। मुझे एक बात बताओ कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। तो टेंजेंट अगर हम लेंगे तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलेक्सिस लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 7/5 एम आर स्क्वायर। अब यहां से एम आर स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी? 20 × 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा? 50। तो इसको यहां पुट कर देते हैं 50, तो 7/5 × 50, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 70। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बोलो। बिल्कुल ठीक, ए। अभी हमने डेंसिटी वाला क्वेश्चन किया था, देखते ही आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 4। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी, क्योंकि मैंने भी बताया था अगर डेंसिटी ए की बड़ी है बी से तो मोमेंट इनर्शिया ए का छोटा होगा बी से, तो लग गया शॉर्टकट सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करो। चार स्फीयर्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ऐसे डायग्राम बनेगा इसका। 4 स्फीयर्स हैं, हर का मास m है, हर का रेडियस r है और सेंटर्स में डिस्टेंसेस कितने हैं? a गिवन है ऐसे, ठीक। और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक साइड, जैसे कोई स्क्वायर की तरह काम कर रहा है ये, किसी भी एक स्क्वायर की साइड का एक्सिस ले लो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चारों स्फीयर्स का क्या होगा?
बी है। देखो एक एक करके बताओ आंसर। फर्स्ट स्फेयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस एक्सिस पे? जीरो कैसे करेगा? ये इसका एक्सेंट, ये अगर अलग से स्फेयर बनाऊं और ये एक्सिस होगा तो क्या होगा यार? स्फेयर की तो खास बात है, जहां से मर्जी एक्सिस एंटर करवा दो आंसर 2/5 mr² ही रहता है। तो फर्स्ट स्फेयर का कंट्रीब्यूशन बोलो 2/5 mr², क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट स्फेयर के हिसाब से एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है। अच्छा बताओ सेकंड स्फेयर के लिए आंसर क्या होगा? सेम सेकंड स्फेयर के लिए भी एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, तो सेकंड का कंट्रीब्यूशन 2/5 mr², डन। तीसरा, ये तीसरा, तीसरे स्फेयर के लिए अगर ये एक्सिस होता, तीसरा स्फेयर कह रहा है कि अगर ये एक्सिस होता तो आंसर क्या होता? 2/5 mr², पर एक्सिस इसके पैरेलल है, तो तीसरे स्फेयर के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो 2/5 mr² तो होगा ही होगा, साथ में एम ए स्क्वायर भी हो गया, एक्सिस शिफ्ट हो गया, इसके अबाउट 2/5 mr² प्लस एम ए स्क्वायर बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और चौथे स्फेयर का भी आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली सेम जो इस स्फेयर का, वही इस स्फेयर का। क्या मैं इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि जो इसका आंसर है वही एग्जैक्टली इसका आंसर है, ऐड कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है? ठीक, कोई डाउट इसमें आ रहा है? इसमें शॉर्टकट मत लगा देना सेवेंथ में, थिकनेस में फर्क है, टी और टी नहीं है, टी और टी बाई फोर है। सी है नेक्स्ट का, ये ठीक है? सेवंथ का सी है। देखो क्वेश्चन नंबर सेवंथ में कह रहे दो डिस्क है, एक का रेडियस आर है और एक का रेडियस 4r है, थिकनेस एक की t है, एक की t बाय 4 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए और आई बी है। अब मुझे समझ में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो रेशियो होगी विल बी इक्वल टू हाफ इनटू मास ऑफ ए और रेडियस का स्क्वायर, हाफ मास ऑफ बी इनटू रेडियस का स्क्वायर। मासेस सेम गिवन ही नहीं है तो क्यों लेंगे? तो मास को क्या लिखेंगे? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पर मेरे ख्याल से डेंसिटी सेम गिवन है। हाँ, आयरन प्लेट है, दोनों की दोनों आयरन प्लेट है, तो डेंसिटी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है इसमें, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू आर स्क्वायर, और नीचे भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ए ऑफ बी इनटू 4r का स्क्वायर। तो वॉल्यूम पहले डिस्क का बोलो एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस टी इंटू रो इंटू आर स्क्वायर, और सेकंड के लिए वॉल्यूम बोलो पाई इंटू 4r का स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी टी बाय 4 इंटू 4r का स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आंसर 1/64 आ रहा है इसमें सॉल्व करके, पर जो भी है आपको पता लग ही चुका है कि आई और आई बी की रेशियो में, क्योंकि ये रेशियो लेस देन 1 है तो पता लग ही रहा है आई ए लेस देन आई बी। आपको वैल्यूज तो नहीं बताने, बट आप इन इक्वालिटी में तो बता ही सकते हो। सिक्स का आज कर तो लिया क्लास में। अच्छा रिंग्स हैं, अच्छा सिक्स में, हाँ डिस्क की जगह रिंग्स हैं, कोई बात नहीं, इसका आंसर आना चाहिए 7/2 mA² बी आंसर है इसका।
सिक्स को तो नहीं करवाया, चलो रिंग के केस कर लोगे तो बी आंसर है इसका राइट। और सेवन्थ का आंसर मैंने बता दिया इसमें सी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप नाइन्थ का आंसर बोलो पहले, नहीं करवाया चलो रहने दो, फिर इलेवेंथ का बोल दो और ख़त्म करो। इलेवेंथ का बी है, इलेवेंथ का बी है, सोचो कैसे। इलेवेंथ का बी, बॉम्बे वाला बी, नहीं डायमीटर ही तो है, कर क्या रहे हो उसमें। वो कह रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कह रहा है ये डिस्क है, कह रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, ये एक्सिस कैसे एक्ट कर रही है लाइक अ, तो डायमीटर का फॉर्मूला लगाओ 1/4 mr² करना के आंसर आ गया, डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक। तो संडे को जो टाइम स्लॉट मैं बता दूंगा, वर्क एनर्जी पर एंड कोलिजन्स आपको रिवाइज करना है। अगर मान लो बहुत कोई टफ क्वेश्चन लगता है, मेरी शीट्स के अंदर कई बार बहुत टफ और बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं, समझ में आते हैं तो ठीक है, इतनी टेंशन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि मेंस और नीट के अंदर जो हमने इस साल के पेपर भी सॉल्व किए थे तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बट क्योंकि एज अ टीचर हमें करवाने पड़ते हैं कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि चीज़ें कैसी चलती हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल लेवल का पेपर आता है। तो आप प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को सही करके आओ, क्वेश्चन पेपर नॉर्मली आएगा।